जींद में आंगनबाड़ी वर्करों के खिलाफ पुलिस करेगी कार्रवाई। कोरोना नियमों की अवहेलना पर की जा रही है यह कार्रवाई। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर आज प्रोटेस्ट कर रही थी। पुलिस ने सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया नोटिस, कहा सबके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए DSP धर्मवीर खरब ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान 100 से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं है। इस तरह से कोई प्रोटेस्ट करता है तो महामारी एक्ट और अन्य जरूरी IPC सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। 100 से ज़्यादा धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए संबंधित SDM से लेनी पड़ती है परमिशन। हमने आंगनबाड़ी वर्कर को दिया था नोटिस, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया, जिसके चलते पुलिस द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दी हैं और इन्होंने कोविड नियमों का भी फॉलो नहीं किया है, ऐसे में क्या कार्रवाई रहेगी सर? ऐसा है, इनको इससे पहले भी हमने नोटिस देने के लिए गए थे, इन्होंने हमारा नोटिस रिसीव नहीं किया। तो उस नोटिस के माध्यम से हम इनको यही बताना चाहते थे, अगर आप 100 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे होते तो आपको जो कंसर्न SDM है उनसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर उसके बाद भी आप मंजूरी भी नहीं लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ये आपके जो कोविड के SOP राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है उसकी उल्लंघना है। और उसकी उल्लंघना में जो भी कार्रवाई बनेगी, जो भी FIR बनेगी, जो भी अरेस्ट होगी, हम करेंगे। इसमें कतई संकोच नहीं है किसी प्रकार का, और कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने दी जाएगी। दूसरों का जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है, और उनको बचाने के लिए हमें जो भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। सर, कितने जो आंगनबाड़ी या आशा आंगनबाड़ी थी, कितने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? अभी उनके बना रहे हैं, जो लोग गिरफ्तारियां देना चाहते हैं उनकी लिस्ट बना रहे हैं, और जैसे ही वो पूरी हो जाएगी उसके बाद फिगर्स का पता लगेगा कितने लोग हैं और कितने नहीं हैं। थैंक यू सर।